दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नाइज सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और रेडमी नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स लॉन्च हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि रेडमी नोट 9 प्रो जो है वो कुछ चीजें इधर उधर करके अगर आप कंपेयर करते हो तो रेडमी नोट 8 प्रो कहीं ज्यादा आता है, कहीं रेडमी नोट 9 प्रो, तो ये सक्सेसर एक्चुअली नहीं है। देख लेते हैं दोनों को कि कौन सक्सेसर है कौन नहीं है। इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा रेडमी नोट 8 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो को, देखेंगे अपने प्राइस को कौन ज्यादा जस्टिफाई करता है। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक करना, मुझे बताना कितना पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे प्राइसिंग को एंड देखेंगे कौन किस प्राइस पे आता है। तो सबसे पहले बात कर दूं कि Redmi Note 8 Pro में आपको मालूम है 4GB 64GB वेरिएंट नहीं आता, 4GB 64GB Redmi Note 9 Pro में आता है जो कि आपको मिलता है 13,000 में। 1000 एक्स्ट्रा पे करोगे तो Redmi Note 8 Pro का 6GB 64GB वेरिएंट आ जाएगा जो कि Redmi Note 9 Pro में नहीं है वेरिएंट। फिर उसके बाद अगला वेरिएंट आता है 6GB 128GB का जो कि दोनों में आता है और 16,000 का आता है, मतलब सेम प्राइसिंग है। इसके बाद 8GB 128GB की बात करोगे जो कि Redmi Note 8 Pro में सिर्फ आता है वो 18,000 का है। तो अगर देखोगे इस हिसाब से तो प्राइसिंग ऑलमोस्ट दोनों की सेम है क्योंकि 4GB 64GB छोटा वेरिएंट Redmi Note 9 Pro में आता है इसलिए वो थोड़ा चीपर है एंड 6GB 64GB से चल होता है Redmi Note 8 Pro वो थोड़ा सा 1000 महंगा है। दोस्तों डिपेंड करता है कौन सा आप लेना चाहते हो, उस हिसाब से देख सकते हैं। अब बात करें डिस्प्ले की तो दोनों के डिस्प्ले IPS के पैनल है, फुल HD प्लस के हैं, दोनों बड़े डिस्प्ले के साथ आते हैं। जहां Redmi Note 8 Pro की बात करोगे तो 6.53 इंच के बड़े डिस्प्ले के साथ आता है, तो और भी बड़े डिस्प्ले के साथ 6.7 इंच के आता है Redmi Note 9 Pro। दोनों में आपको Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों साइड में मिल जाता है, दोनों देखने में भी अच्छे लगते हैं, अच्छी चीज है। वाटर ड्रॉप नॉच आता है आपको Redmi Note 8 Pro में, लेकिन सेंटर में आपको पंच होल देता है Redmi Note 9 Pro जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है मुझे, लेकिन फिर भी कूल दिखता है। चलिए कोई बात नहीं, रियर साइड पे क्वाड कैमराज हैं, अलग अलग हाउसिंग है, जहां स्ट्रेट क्वाड कैमराज आपको मिलते हैं Redmi Note 8 Pro में वहीं स्क्वायर हाउसिंग आपको देखने को मिलती है Redmi Note 9 Pro में। Redmi Note 9 Pro में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जबकि Redmi Note 8 Pro में जाओगे तो वहां पे आपको रियर साइड में मिलता है। चलो अच्छी चीज है, तो कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं। अगर आपको पंच होल पसंद हो तो आप जा सकते हो Redmi Note 9 Pro की तरफ जो कि थोड़ा बड़ा डिस्प्ले के साथ दिया है, जबकि अगर आपको वाटर डॉप नॉच पसंद हो तो आप जा सकते हो Redmi Note 8 Pro की तरफ। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो दोनों में लड़ाई टक्कर की है क्योंकि 720G और MediaTek का G90T जो है दोनों एक दूसरे को बहुत कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन गेमिंग में एंड परफॉर्मेंस में MediaTek G90T थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू 720G। 720G एफिशिएंट है, बैटरी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है, लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि MediaTek के प्रोसेसर ऐसे माने जाते हैं कि ज़्यादा टाइम चलते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, चलते हैं। अब बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों की, तो पहले Redmi Note 9 Pro से चालू करेंगे। 720G आता है उसमें, यानी बहुत इज्जतदार चिपसेट है, 8nm बेस है, यानी बैटरी एफिशिएंसी आपको कमाल की मिलेगी दोस्तों। देन उसके बाद कोर्स, 8 कोर्स हैं, 8 कोर्स में से 2 कोर 2.3 GHz पे क्लॉक्ड हैं, 465 वाले कोर्स हैं क्रायो के। देन अगेन 465 वाले ही कोर्स आपको मिलते हैं 6 कोर्स जो कि 1.8 GHz पे क्लॉक्ड हैं। चलिए Adreno 618 है, गेमिंग ग्राफिक्स मक्खन की तरह चलेगा, आप अल्ट्रा तक पे खेल सकते हो PUBG, HDR पे नहीं खेल सकते, यानी एक्सट्रीम पे नहीं खेल सकते, बाकी सारे गेम्स भी आप हाई तक खेल सकते हो, ठीक है। चलो Android 10 के ऊपर आता है जो कि MIUI 11 के साथ आता है। इसके बदले अगर आप Redmi Note 8 Pro की पे जाओगे तो वहां पे आपको MediaTek का G90T का चिपसेट मिलता है जो कि गेमिंग चिपसेट है, उसकी प्रायोरिटी गेमिंग है, अच्छी गेमिंग कर लोगे, कोई भी गेमिंग आप एक्सट्रीम पे खेल सकते हो, सारे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्कोर जो है इसका 260,000 के आसपास आता है जबकि 720 की बात करोगे तो 240,000-250,000 के बीच में रहता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है दोनों में। देन उसके बाद बात करोगे अगर चिपसेट की तो ऑक्टाकोर का चिपसेट है लेकिन 12nm बेस है, यानी बैटरी एफिशिएंसी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी 720G में मिलती है, उसमें 8nm था एंड ऑक्टाकोर है, 8 कोर्स में से 4 कोर जो है दोस्तों वो 2.05 GHz पे क्लॉक्ड हैं जो कि कोटेक्स A76 वाले कोर्स हैं एकदम नए, एंड बाकी 4 कोर्स बैटरी एफिशिएंसी वाले हैं जो कि 2 GHz पे क्लॉक्ड हैं, एंड ये कोटेक्स A55 वाले कोर्स हैं। ये माली G76 MC4 के साथ आता है, मक्खन की तरह चलेंगे सारे गेम, थोड़े हीट होते हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। चलो अच्छी चीज है, ये भी एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर आया था लेकिन अब 10 पे अपग्रेड हो गया जो कि MIUI 11 पे हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे ही लोगे आउट ऑफ द बॉक्स आपको अपडेट आ जाएगा, अपडेट कर सकते हो। डिपेंड करता है, अगर आपको हाई हैंड गेमिंग चाहिए दोस्तों तो आप जा सकते हो Redmi Note 8 Pro की तरफ, लेकिन अगर आपको अच्छी खासी गेमिंग चाहिए एंड बाकी सारी चीजें भी अच्छी चाहिए तो आप Redmi Note 9 Pro को सिलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं कैमरा सेगमेंट में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी ने किया क्योंकि डाउनग्रेड कर दिया है। पहले Redmi Note 8 Pro आया था जिसमें 64 प्लस 8 प्लस 2 वाले थे, 64 मेगापिक्सल सैमसंग का
GW1 का सेंसर दिया हुआ था, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर था, 2-2 मेगापिक्सल के दो सेंसर थे जो कि आपको मैक्रो और बोके वाले थे, चलो अच्छी चीज है, डेप्थ सेंसर। 64 मेगापिक्सल जो है उसका अपर्चर f1.9 का था जो कि आप 4K वीडियो कॉलिंग सब कुछ कर सकते थे। अब 64 से 48 पे लेके आ गए हैं, यानी Redmi Note 9 Pro में 48 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 वाले हैं। 8 प्लस 2 प्लस 2 वाले तो सेम है, अल्ट्रा वाइड, मैक्रो और डेप्थ, लेकिन 48 मेगापिक्सल जो है वो सैमसंग का GM2 का सेंसर है जो कि आपको अगेन 4K कर देगा, f1.8 का अपर्चर है, बुके पैनोरमाइजर सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सेंसर जो साइज है थोड़ा छोटा कर दिया है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे लेकिन अच्छी कैमरा फोटोग्राफी हो जाती है। फ्रंट साइड में भी डाउनग्रेड किया है, पहले 20 मेगापिक्सल का था अब 16 मेगापिक्सल कर दिया है, दोनों के अपर्चर सेम थे f2.0 के, वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो, बुके पैनोरमाइजर सब कुछ कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा। रियर साइड में फ्लैश मिलता है, फ्रंट साइड में नहीं मिलता दोस्तों। कैमराज थोड़े से अब डाउनग्रेड कर दिए हैं, अगर आपको 64 मेगापिक्सल चाहिए तो Redmi Note 8 Pro की तरफ चल जाओ, 48 में अगर आपका काम चल जाएगा, आपको बहुत ही एडवांस्ड कैमराज नहीं चाहिए, एवरेज कैमराज चाहिए तो आप जा सकते, एवरेज नहीं अच्छे कैमराज हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, मिल सकते हैं आपको Redmi Note 9 Pro में। इसके बाद आते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, तो दोनों में बड़ी बैटरी दी हुई है, जहां Redmi Note 8 Pro में आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, उससे भी 500 mAh ज्यादा यानी 5020 mAh की बैटरी आपको Redmi Note 9 Pro में मिलती है, चलो अच्छी चीज है, यानी बैटरी डिपार्टमेंट में Redmi Note 9 Pro थोड़ा सा आगे है दोस्तों। चार्जर दोनों में 18 वाट के ही मिलते हैं, टाइप सी का ही पोर्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, लेकिन चार्जिंग करने में आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा क्योंकि 5000 एमएच की बैटरी आराम से 2-2 घंटे ले लेगी चार्ज होने में, तो डिपेंड करता है अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए, ऑब्वियसली Redmi Note 9 Pro इसमें अपर हैंड रखता है, क्या बड़ी बैटरी क्या छोटी बैटरी, थोड़े से ज्यादा बड़ी बैटरी है तो Redmi Note 9 Pro यहाँ पे अपर हैंड रखता है। अब आते हैं सेंसर्स में, सेंसर्स की बात करें नेविक, अगर आपको चाहिए नेविक, इंडियन नेविगेशन सिस्टम इसरो का खुद का है, तो आप जा सकते हो Redmi Note 9 Pro की तरफ, अगर काम चल जाएगा उसके बिना, GPS से भी काम चला लेते हो तो आप जाओगे Redmi Note 8 Pro की तरफ। बाकी सारी चीज़ें दोनों में सेम है, आपको दोनों में आयर ब्लास्टर मिलता है, दोनों में बाकी सारी चीज़ें जितने भी एक्सेलेरोमीटर, एम्बेड लाइट सेंसर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, हाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर रियर साइड में मिलता है Redmi Note 8 Pro में, जबकि साइड माउंटेड मिलता है आपको Redmi Note 9 Pro में, तो ये ध्यान रखना। एंड बाकी सारे सेंसर्स कोई इशूज़ नहीं है, दोनों में आपको वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट मिलता है, दोनों में आप कैमरा 2 API कर सकते हो, कोई इशू, दोनों में नोटिफिकेशन लाइट भी आता है तो वो भी इशूज नहीं है, तो सारी चीजें आपको मिलती हैं, कोई इशूज नहीं आने वाले दोस्तों। स्लॉट की बात करते हैं, दोनों में डेडिकेटेड स्लॉट आता है, जहां 512 GB तक बढ़ा सकते हो Redmi Note 9 Pro को, वहीं 256 GB तक बढ़ा सकते हो Redmi Note 8 Pro को, दोनों अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद हो, उस हिसाब से आप देख सकते हो। एंड वेरियंट तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, प्राइसिंग ऑलमोस्ट दोनों की सेम है दोस्तों। तो कंफ्यूज हो गए हो तो मैंने यहाँ लिख के रखा है कि अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, नेविक का सपोर्ट चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए दोस्तों, तो आप जा सकते हो Redmi Note 9 Pro की तरफ। अदरवाइज अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, 64 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी चाहिए, तो आप Redmi Note 8 Pro की तरफ जा सकते हो। दोनों अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही प्राइसिंग है अगर आप वेरिएंट को अगर एक्सचेंज करके देखते हो तो, डिपेंड करता है, दोनों अच्छे हैं आपके हिसाब से, आप जिसको प्रायोरिटी देते हो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, पसंद आया साइड में देखो बैक इमेज है, सपोर्ट भी कर देना, लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, अगर कुछ पूछना है तो क्वेश्चन भी कर लिया करो, मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। हाँ, वो सपोर्ट वाला साइड वाला देख लेना, उस पर जरा क्लिक करके अगर अच्छे लगते हैं वीडियोस तो। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।